पावनपुरी पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांत गीत पावनपुरी पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने We'll be right back.
हेलो 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 राधे 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 परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरोदा, जन्म जन्म को दीजियो श्री राम वृंदावन को वा। बरसाने की राधिका नंद गाम के श्यामन के चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मां की बिहारी लाल की, प्रिया कांत जू सरकार की जय, काटू नरेश की श्री राधा रानी सरकार की जय, बाबा यक्षराज की जय, कल्याण गिर बाबा की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कथा का तृतीय दिवस, जिसमें हम सब बैठ करके पूर्व प्रथम दिवस से लेकर के आज कथा का तृतीय दिवस और कथा का आनंद उठा रहे हैं। तो जब आनंद उठा रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलिए जोर से और प्रेम से और भाव से। भगवान से कहिए, परमात्मा से कहिए, क्या कि प्यारे जीवन में अगर भगवान हमारी गलतियां देखे और गलतियां को देखें और एक एक छोटी छोटी गलतियां देखें तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? परमात्मा तो ऐसे हैं, हमारी बड़ी गलती को भी वो क्षमा कर देते हैं, ऐसे हैं। तो कहिए, अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे, उठा के दोनों हाथ और मिल गई क्या, अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे, अब गुड़ हमारे
गुण हमारे अगर नाथ देखो, अब गुण हमारे तो हम कैसे भाव से, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ दे।
करते हैं पतितों को पावन हे करते कृपाली पतितों को पावन हो करते कृपाली पतितों को अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे कि अगर भगवान हमारे एक एक पाप को गिनना शुरू कर दे देखना शुरू कर दे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। बोले जीवन में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, वो हमारा कर्म है, हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। और जब कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, तो भगवान के पास जाते हैं। इसीलिए हमारे जो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, जीवन में मत सोचिए कि जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। इसलिए हमें निरंतर भजन में मन लगाना चाहिए। तो एक बार जोर से बोलिए, भूल गए क्या आप लोग? और प्रेम से राधे राधे। राधे राधे राधे। एक बार जान लो, एक बार जान लो भैया, श्री राधे। मॉनिटर कभी पीछे नहीं देते, हमेशा आगे देते हैं, हमेशा परेशान रहोगे। भविष्य में याद रखिए, ऐसा किया जाता है, नियम छोटे हो राधा। एक बार भाव से बोलिए, अरे बिहार वालों बोल दो राधे राधे। और प्रेम से अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा कारण भक्त वंचा कल्पतरु दीन बंधु कृपा सिंधु चित सार सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र लाल की वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं एवं हेतु करुणा कारक श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता
वासुदेवता अग्रणी देवता नगर देवता सबको गौरव प्रणाम। इनसे प्रार्थना है अपना स्थान ग्रहण करके कथा को सुने आशीर्वाद प्राप्त कराए। विदु समाज संसवाद पतारे उपस्थित श्रोता गण भाई भाई बाल गोपाल मातृशक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं सुन रहे हैं अथवा जहां तक की मेरी आवाज जा रही है इस व्यासपीठ की ओर से मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे और प्रेम से। आज हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज नामकरण भी हुआ हमारे हनुमान जी का। संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के नाम से हमारे हनुमान जी को संबोधित किया गया। तो एक बार जयकारा लगा के कहिए क्या बोली हनुमान जी महाराज की जय। ये प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जहां हमारे सभी ग्रामवासी सभी भक्तजन इतने दिन से तैयारी कर रहे थे कि हमारे संकट मोचन हनुमान जी का नामकरण हो हनुमान मंदिर का उद्घाटन हो आज वो उद्घाटन हो गया है। तो तालियों के साथ जरा स्वागत कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं हनुमान जी महाराज तो है ही संकट मोचन और आज हनुमान जी के जब दर्शन हुए तो बड़ा अच्छा लगा बड़ा प्यारा सा स्वरूप और हनुमान जी के चरणों से प्रसाद भी प्राप्त हुए। ये मेरे भाग्य जो हनुमान जी के चरणों से प्रसाद मिली और आज छप्पन भोग भी लगेगा हमारे हनुमान जी को हमारे यज्ञ में बैठे सभी भक्त जन योगी जन ज्ञानी जन बैठ करके नौ दिवसीय चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण में महायज्ञ हो रहा है। ये बड़ी बात है कोई आसान बात नहीं है। ऐसे यज्ञ ऐसे उत्सव होने में बड़े दिन लग जाते हैं भैया। कितनी बार सोचना पड़ता है और कितनी बार मुसीबत आती है कि कैसे यज्ञ हो। और आज ये हनुमान जी की कृपा से ये बाबा हनुमान की इच्छा थी कि अयोध्या में अपने नए घर में राम जी पधारे। हनुमान जी ने सोचा हमें भी नया नया घर मिलना चाहिए। जब हमारे स्वामी को नया नया घर मिला तो हमें भी नया नया घर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? इच्छा उनकी थी, संयोग हम सबका था, कृपा उनकी थी, संयोग हम सबका था। कहते हैं कृपा कृपा सब कहे कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सो जानी
सो गया वो। कहते हैं प्रभु जी राधा रानी की कृपा हो गई, हनुमान जी की कृपा हो गई। कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। बोले धन कमा लेना, बड़े बड़े गाड़ियों में चलना, बड़ा सारा घर बना लेना, कोटी तैयार करना, ये हनुमान जी की कृपा है। ये भी कृपा है, परंतु सबसे बड़ी कृपा वो होती है जीव अपने पेट के लिए कमाता है। और कमा करके अपने परिवार का परिवार को चलाता है। परंतु कहते हैं कि आप महीने में 10,000 भी कमा रहे हैं, नहीं 500 चढ़ाइए। बोले 100 रुपए चढ़ा देते हैं हनुमान जी को, सारा नहीं हजम कर पाएंगे। सारा 10,000 आप अपने पर ही नहीं खर्चा कर पाएंगे। बोले भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे वैद्य जी लेकर के जाएंगे, डॉक्टर साहब लेकर के जाएंगे। बोले बीमारी पकड़ ली, 500 से 5,000 लग गया बीमारी में। क्यों कहते दान करिए? इसलिए कहते दान कीजिए, 100 रुपए है तो 10 रुपए चढ़ा दीजिए करके हनुमान जी के मंदिर में जाइए। बोले ठाकुर जी ने हमें पुष्प का लायक बनाया है तो पुष्प चढ़ा देंगे, हमें पैसे का लायक बनाया है तो पैसा देंगे, उनका श्रृंगार करवाएंगे, उनको वस्त्र देंगे, उनकी सेवा करेंगे। जिस लायक हमें भगवान ने बनाया है वो हमें करना चाहिए। भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र ना हो, खाने के लिए भोजन ना मिलता हो, भूखे तो नहीं सोते। इसलिए भगवान कहते हैं, सच बता रही हूं, पैसे 100 हैं अगर 10 भी चढ़ा दिए तो भगवान आपका लेंगे नहीं, अपितु आपको दे ही देंगे। ये कृपा है। इसलिए दान, संतों की सेवा, इस तरह प्रांगण रखवाना, उत्सव रखवाना, महोत्सव रखवाना, प्राण प्रतिष्ठा करवाना, ये शिवर शिवर राम की कृपा है, हनुमान की कृपा है। और बिना कृपा के आपको ना भगवान धन देंगे। देखिए आपके हृदय में आप ही सोचेंगे कि हमें दान करना है, हमें हनुमान जी पे 10 रुपए चढ़ाना है तो ठाकुर जी आपको देंगे। सोचेंगे कि व्यक्ति चाहता है, ये चाहता है कि मैं दान करूं, तो आज इसको इतना दे देता हूं और परीक्षा लेता हूं ये चढ़ाता है कि नहीं। बोले ठाकुर जी से कहते हैं नौकरी लगवा दीजिए, हनुमान जी 51 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे। कहते हैं कि नहीं? बोले काम बना दीजिए, 101 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे। काम हो गया तो बोले भूल गए, आज नौकरी कर लेते कल चढ़ा देंगे। नौकरी के जो मैनेजमेंट करते हैं, जो राजा हैं भैया, जो वहां के सर हैं, वो कहते कल आपको 4 बजे आ जाना सुबह। बोले 4 बजे आ जाना? हाँ। बोले 4 बजे आना है, रात में 12 बजे जाना, कहाँ से प्रसाद चढ़ा पाएंगे? नौकरी लग गई, आपको तुरंत जाके लड्डू चढ़ाना चाहिए कि नहीं? बोले आज थक गए, नौकरी लग गई, मंदिर तो कभी भी चले जाएंगे, प्रसाद तो कभी भी चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। बोले जो कुछ भी दिया है आपको, जो कुछ भी आपको मिला है, आपको नहीं 1 करोड़ वाला भगवान ने बनाया होगा तो 10,000 वाला तो बनाया ही होगा, 5,000 वाला तो बनाया ही होगा,
दस रुपए देने वाले तो बना ही होंगे, नहीं तो गरीब ही को, गरीब कोई जा रहा है उसको एक रुपए तो दे ही देता है, इतना तो दिया ही है भगवान, इतना तो हम खर्चा कर ही सकते हैं। सभी बिहार के वासियों ने, सभी ग्राम वासियों ने इतना बड़ा उत्सव रखा, प्राण प्रतिष्ठा हुई आज भगवान की, हनुमान जी की, और नामकरण हुआ, ये भगवान की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों की लगन है ना, वो लगन देख रहे थे हनुमान जी, किसी ना किसी के दौरान ये उत्सव तो रखा गया होगा, किसी ने तो चुना होगा ही कि उत्सव रखना चाहिए, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कथा करानी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण करानी चाहिए। बोले काय की? बोले कितने दिन की? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण तो 7 दिन की होती है। बोले अब 7 दिन की नहीं, बोले 9 दिन की श्रीमद् भागवत होती है। एक उपाय, हम कमा रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा है। हम आज या उत्सव में सम्मिलित हुए, ये हनुमान जी की कृपा है। जीवन में जितने भी खुशियां आती हैं, जितने भी उत्सव मनाते हैं, जो कुछ भी होता है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा होती है, परब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है। संतजन कहते हैं कि जो ये सब कुछ पंडाल दिख रहा है जीवन में, इतनी चमक दमक है, किसके कारण है? हमारे कारण है। तो ये चमक, ये दमक, फूल मन मामा, ये चमक, ये दमक, फूल मन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हें से गाइए। और ठाकुर जी से कहिए, आज हमें कुछ भी मिला है तो आपकी कृपा से मिला है। जीवन में खुशियाँ हैं तो आपकी कृपा है। जीवन में हम सत्संग कर रहे हैं तो आपकी कृपा है। तो क्या कहेंगे? ये चमक, ये दमक, फूल मन महक, आपकी कृपा से मिला है।
सब कुछ सरकार तुम्हें से, बुरा हो रहा है तो भी तुम्हें से, अच्छा हो रहा है तब भी तुम्हें से, जीवन में सम्मान मिल रहा है तब भी तुम्हें से। यस अब जब कुछ भी मिल रहा है, भक्ति भक्ति समझते हैं क्या? तो देते हैं भैया, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, परंतु जो भाव है, जिस दिन ये सोच लिया हमने संसार में जीवन में कुछ भी हो रहा है, दुख सुख ये सब हनुमान जी की कृपा है, कथा प्राप्त हो रही है। देखिए हमें नहीं पता था किस बिहार की पावन भूमि पर बैठ करके इतना बड़ा अवसर मुझे मिलेगा कि मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। बोले जल्दी जल्दी कैसे हो गया कुछ पता नहीं, लेकिन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा पे सौभाग्य हमें भी दिया हनुमान जी ने। भोजन करते हैं घर में, बोले इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इतना बड़ा पंडाल सजा हुआ है, मेला देखने आते हैं, मेला देखने भी आते हैं, कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग अब यहाँ गोल गप्पे को कुछ कहते, क्या कहते, गुपचुप, गुपचुप बोलते नहीं, गुपचुप खावे आए कोई, बोले चलो भागो तो गुपचुप मिले खाएंगे, गुपचुप ही बोले ना। हाँ देखो बिहार की पावन भूमि पहली बार आए, कुछ शब्द सीखे, बोले कुछ मेला देखने आए, कुछ कथा सुनने आए, कुछ भजन सुनने आए, कुछ गुपचुप खाओ आए, बोले 10 रुपए के 8 दे गुपचुप खाएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से और भाव से। तो कथा सुनी, बड़े सुंदर प्रसंग आज बड़े प्यारे प्रसंग, और आज जो कुछ हुई, देखिए जो माताएं पीछे बात कर रही हैं वो कृपा करके मत करिए, क्योंकि अगर कुछ खावे तो मन में तो खा लियो, है कि नहीं, यहाँ कथा सुन लियो। आइए हम सभी लोग नैमी शरण की पावन भूमि पर चलते हैं। नैमिषे सुत मासीन अभिवाद्य महामतिम कथामत रसा स्वादा कुशलह सानिको ब्रवी। अब सब कोई कथा मालूम ही होगी कि नमी शरण में पावन भूमि पर श्री व्यास जी के रूप में सूत जी वक्ता बने हुए हैं। वक्ता के रूप में सूत जी विराजमान है, कहा नमी शरण में स्वर्णकादि 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में कथा सुनते हैं सूत जी से। बोले एक दिन की बात है कि स्वर्णकादि 88,000 ऋषि को एक तप करना था, तप करना था तो कोई जगह अच्छी नहीं मिली उन्हें, जहां जाते कलयुग बाधा हो जाते थे। यही होता है, हम कोई यज्ञ करते हैं, हम कोई तप करते हैं, हम कोई भजन करते हैं तो कलयुग बाधा पहुंचाता है, पहुंचाता है कि नहीं,
इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो कृपा है कि नहीं हनुमान जी, हम सब कुछ कर लेंगे। हम कहते हैं हम ये हैं वो हैं, जीवन में हमने इतना किया इतना किया। बोले किसकी कृपा से किया? ये नहीं बोलते कि हमें जो कुछ मिला भगवान की कृपा से मिला, हमने किया। मैं शब्द है ना, मैं करूंगा, मैं शब्द बड़ा गदरे का है। भगवान सोचते हैं तू ही सब कर रहा है, मैं ही सब कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हो तुम। तो बोले मुसीबत दे देते हैं, मुसीबत को तुम ही संभालो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो तो मुसीबत भी तुम ही संभालो। सुख तुमने अपने आप से प्राप्त किया है तो दुख भी अपने आप से ही झेलो। इसलिए जब सुख आता है जब भगवान से कहते हैं भगवान आपके कृपा से हुआ है, आपकी कृपा से ये भागवत प्राप्त हुई है, तो भगवान सोचते हैं कि ये कह रहा है जो कुछ भी प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से हुआ है, इसको दुख दूंगा तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना, परेशान हो जाएगा। जो व्यक्ति कह सकता है भगवान हमें सुख दे रहे हैं तो उनकी कृपा से है, उसके जीवन में दुख आएगा तो भी यही कहेगा ये भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से मुझे मिल रहा है। राम कथा में प्रसंग आता है बड़ा प्यारा, जटायु जी का। जटायु जी देखा कि रावण सीता जी को लेकर के जा रहे हैं, यही है ना, सीता जी को लेकर के जा रहे हैं। तो बोले ये तो हमारी रघुकुल की तिलक है, अगर इनको कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। गए भैया को युद्ध किया, अंतिम में क्या हुआ, जटायु जी के पंख कट गए। और जब पंख कट गए तो जटायु जी पता ही क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है राम की कृपा से हुआ है। किसी ने पूछा कि आपका पुरुषार्थ चला गया, आपके पंख कट गए, आपको ही भगवान की कृपा लगती है? बोले भगवान की कृपा है। इसलिए ये संत जन यही सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी हो वो भगवान ही कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तप जप यज्ञ हम कुछ अगर करते हैं, मन फिसलता है, मन बाहर आता है, मन अंदर जाता है। बोले भजन करें कि ना करें, पूजा करें कि ना करें, जो बाहर अंदर का खेल है, मन आप को संसार की ओर लेकर के जाता है, फिर दोबारा मन करता है संसार में क्या रखा है, चलो कथा सुनने चलते हैं, चलो भजन करते हैं, चलो संकीर्तन करते हैं। इसी प्रकार सोनकादि 88,000 ऋषि संत हैं, वो कहते हैं कि हमें जप करना है। बोले कलयुग बाधा पहुंचा रहा है, बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे कोई एक आप ऐसा स्थान बताइए जिससे मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं, भजन कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ब्रह्मा जी ने मनोचक्र छोड़ा और वो मनोचक्र जाकर के कहा गिरा नैमिषारण्य की पावन भूमि। बोले ये जो चक्र जहाँ भी गिरेगा वहीं पे अपना सत्संग कर सकते हैं। बोले ठीक है करेंगे सत्संग। इस प्रकार उस नैमी शरण की तीर्थ में सूत जी महाराज वक्ता के रूप में है और सोनकादि 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में है। बोले नैमी शरण तीर्थ क्या है भाई? तीर्थ तो अनेक है, उसका कोई मतलब भी होगा। बोले जो संपूर्ण संसार का बीच का हिस्सा है वो है नैमिषारण्य क्षेत्र, उसे नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। बोले नैमिषारण्य क्षेत्र नाम कैसे पड़ा भाई?
किसी तीर्थ का नाम पड़ता है तो कोई ना कोई वजह होती है। वृंदावन में जाते हैं उसका नाम श्री धाम वृंदावन है, बोले वृंदावन धाम पार्वत भजे जा राधे राधे, तो इसकी तो ये महिमा होगी। तो नैमी शरण तीर्थ है, उसका नैमी शरण तीर्थ नाम क्यों पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। हम सब कथा में सुनते ही होंगे निमी जी को। निमी जी को कौन कौन जानते हैं, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं जानते निमी जी, जो हमारे पलकों पे रहते हैं उन्हें निमी जी कहते हैं। अब आया कौन है निमी जी, जो हमारे पल पल पर विराजते हैं। बोले जब सिया और राम का मिलन हो रहा था, राम और सीता जी का मिलन हो रहा था, तब निमी जी तो पलकों पे विराजते हैं। तो बोले बेटी अपने स्वामी को देख रही है तो यहाँ बैठना ठीक नहीं है, तो क्या किए। बोले सीता जी और राम जी की पलकों पे जो निमी महाराज बैठते थे वो तपस्या करने चले गए। क्यों चले गए, बोले लोग कहते राम जी सीता जी एक दूसरे को टकटकी लगा कर देख रहे थे, उनको प्रेम हो गया। ऐसा नहीं है, अब राम जी की मजबूरी बसी थी। बोले निमी महाराज जी गायब हो गए तो पलके कैसे पड़के। बोले हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो कहाँ चले गए, अरण्य वन में चले गए। अरण्य माने वन, जंगल में। जंगल में निमी महाराज ने तपस्या की और तपस्या करके सभी संतों के साथ रहे। तो उन्हीं निमी जी महाराज ने उस अरण्य वन में तपस्या की। तो निमी माने नैमी और शारण्य माने वन, इसीलिए उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमी शारण्य। राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से। अरे और से बोल दो। तो उसी नैमी शारण की पावन भूमि पर बैठ करके सूत जी महाराज सौनक जी को उपदेश देते हैं। और सौनक जी सूत जी से क्या प्रश्न करते हैं। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, सूत ख्याही कथा सारम मम करण रसायनम। सोनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, जीवन में संतों के पास जाइए कि ऐसे प्रश्न करिए कि संत भी कहे कि कोई भक्त आया है, उनका भी हृदय प्रसन्न हो जाए कि कोई एक ऐसा भक्त आया है जो कह रहा है हमें भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति कैसे मिलेगी। सोनक जी कहते हैं अज्ञान भ्रांत विध्वंस कि आप जैसे संतों का जो ज्ञान है गुरुदेव, वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। करोड़ों सूर्य माने बोले संसार में सूर्य देव प्रकट होते हैं, रात्रि में अंधेरा हो जाता है और सुबह उजेला हो जाता है, सूर्य देव प्रकाश देते हैं। तो संपूर्ण संसार में जब सूर्य देव उजाला करते हैं तो व्यक्ति को प्रकाश मिलता है, परंतु जो मन रूपी अंधकार है उसको कौन मिटाएगा, उसमें कौन प्रकाश डालेगा। ये भी तो बात है भाई, मन में अंधकार ही भरा हुआ है, उस मन रूपी अंधकार को कौन नष्ट करेगा। बोले उस मन रूपी अंधकार को संत जन प्रकाश। एक तरफ आपके सामने माया रहती, दूसरी तरफ मायापति रहते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, या मायापति के पास चले जाइए, भगवान के पास चले जाइए, या माया में लपट जाइए। दो ऑप्शन होते हैं।
अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि जिस तरफ प्रकाश है उस तरफ हम जाएंगे, अंधेरे में नहीं जाएंगे। तो माया एक अंधेरा है, उसमें हम जाएंगे जाते ही है। बोले माया का ही सब कुछ खेल, वहीं जाना है। लेकिन माया जरूरी है, तो माया पति भी जरूरी है, परमात्मा भी जरूरी है। इसलिए सूत जी सोनक जी कहते हैं, आप मेरे अंधकार को नष्ट कीजिए। कि मैंने जब तब व्रत सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ कर ली, कोई सुकून नहीं मिला, महान विवेक क्या है? महान विवेक किसे कहते हैं? किस किस को पता है? नहीं पता। बोले संसार में कुछ भी कर लीजिए, बोले एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो गई, कोई समझौता करवाने आए कि लड़ाई मत करो, कोई कह रहा है हम श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है हम श्रेष्ठ है, अब कोई कह रहा हम श्रेष्ठ है, दूसरा कह रहा तुम नहीं हम श्रेष्ठ है, हम ज्ञानी हैं। तो बोले किससे पता चले कि तुम ज्ञानी हो? वो हमें शास्त्र बताते हैं। जो शास्त्र की बात करे, जो हमें शास्त्र बताते हैं, वही महान विवेक है। शास्त्र के द्वारा जब हम चलते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं लड़ाई झगड़ा करिए, ये तो नहीं बताते लड़ाई करिए। शास्त्र ये भी नहीं कहते कि शास्त्र में लिखा है कि रात में जाइए पार्टी करने, लिखा है कहीं? शास्त्र भी बताता है कि गुरु के पास ना जाओ, शास्त्र भी बताता है कि भगवान की पूजा ना करो, ऐसा तो नहीं है। शास्त्र बताता है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, निष्ठापूर्वक प्रेम के साथ जीवन में। शास्त्र जो हमें सिखाते हैं, संत जन जो हमें बताते हैं, वो शास्त्र के द्वारा नहीं बताते। भाई कोई व्यक्ति कह रहा है, बार बार कह रहा है, संत जन कह रहे हैं कि बार बार कह रहे भजन करिए, क्यों कह रहे हैं? शास्त्र के दौरान तो कह रहे शास्त्र में लिखा है भजन करना है। तो हमें शास्त्र से संबंधित तो बता रहे हैं संत जन की भजन करिए, भजन करिए। और कोई कठिनाई भी नहीं है कि मार तप करना है आपको, जटा बना लीजिए, ऐसे भी नहीं करना है। इतना सरल उपाय बताया है कि कलयुग केवल नाम धारण, सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, कथा सुनिए। और जब कथा सुनेंगे और जब राधे राधे बोलेंगे तो क्या होगा? जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोले, कहेंगे जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोले, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे राधे बोल रे। उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे झुके हुए चिराग आता है। पहले हाथ नीचे करिए, जिस जिस
जिसको नींद आता है वो हाथ उठाइए। तो नृत्य करना कौन कौन चाहता है? जो चाहते हैं वही वही जाइए, जो चाहते हैं वो नृत्य जरूर करिए। देखिए भगवान के नाम में अगर झूम उठे तो जिंदगी भर खुशी नजर आएगी। उठाइए दोनों हाथ। Let it go.
को क्या बोलना पड़ेगा, राधे और भाव से। तो जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। अगर आपको अपना जन्म सफल करना है, मनुष्य जीवन सफल करना है, तो भजनानंदी भैया बनना ही पड़ेगा। काय संसार के चक्कर में पड़े, बोले भगवान स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, खाली तुम एक बार मेरे पास आकर के देखो, मेरी शरण में आकर के देखो। संसार वालों पर डाउट है, वो धोखा दे सकते हैं, पर हमारे श्री जी नहीं दे सकते, हमारी राधा रानी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो सब जानती है हम कैसे हैं। व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा करते हैं। भगवान कहते हैं नेक मेरे पास आओ और मेरे पर भरोसा करके देखो, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो आशा भगवान की रखी। तो अब दोनों हाथ उठाइए, एक बार उठाइए पूरे पूरे वहां तक। अब कहिए जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, भरोसा रखिए मिलेंगे सावरिया। तो संत जनों की वाणी है कि महान विवेक हमें संतों के द्वारा मिलता है, भजन करने से मिलता है। संसार क्या है? संसार झूठा है और झूठा ही रहेगा। भगवान सत्य हैं तो सत्य रहेंगे। भैया सत्य से सबको बड़ा डर लगता है, झूठ बोल दी अब बाद में अंदर ही अंदर सोच रहे कहीं इसको सच पता चल गया तो। अगर सच पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बोले सत्य से सब डरते हैं, सत्य से मत डरिए। सत्य परब्रह्म परमात्मा है, उनसे डर जाएंगे कि भगवान देख पाएंगे। लेकिन हमारी राधा रानी तो देख रही कि कौन सा छल कर रहा है। इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए। शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सुखा। कि मैं किसी की कही हुई बात नहीं कह रहा, शिव जी कहते हैं मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। संसार है झूठा और अगर कुछ सत्य है तो वो है हमारे परब्रह्म परमात्मा का नाम, हरि का नाम, राम का नाम, राधा रानी का नाम। सोनक जी कहते हैं सूत जी से एक और प्रश्न करते हैं और कहते हैं माया मोह निरस्ता चा वैष्णवे कीर्त ये कथम। माया मोह निरस्ता चा, कि वैष्णव जन माया से दूर हो जाएं क्या उपाय करते हैं, क्योंकि कलयुग तो आ चुका है और कलयुग तो ऐसा फैला हुआ है कि कलयुग तो अपनी कुंडली बांध करके बैठ गया है और हम सब जाते हैं कलयुग के पास। कलयुग कब आता है कल हम आपको बताएंगे। कलयुग कहां कहां आता है वो आज नहीं बताएंगे, वो कल बताएंगे कि कलयुग कहां कहां रहता है। बोले भैया जीवन में अनेक अनेक कामनाएं, अनेक अनेक इच्छाएं। कैसी इच्छा? बोले चिंता मरण लोक सुखम सुरुदु स्वर्ग संपदम प्रेय चक्ति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि मिल जाए आपको, बताइए आपको एक चिंतामणि मिल जाए उससे आप क्या मांगेंगे? भगवान की भक्ति मांगेंगे कि माया मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे। वो तो कहते हैं क्यों माता हो आपसे कह रहे हैं, भक्ति मांगेंगे चिंतामणि मिल जाए या माया मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे ना, तो बोले चिंतामणि मिल जाए तो कोई भी कामना कर ले तो उससे मिल जाती है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ जाए सारी इच्छा पूरी हो जाती है जो कल्पवृक्ष से मांगते हैं। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। प्रयच्छति गुरु प्रेतो कि बिना गुरु के हरि नहीं मिलेंगे, बिना गुरु के परब्रह्म परमात्मा नहीं मिलेंगे। कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरे ना कोई, जो बिरंच संकर सम होई। बिना गुरु के आपको नहीं मिलेंगे। इधर गुरु करे इधर भगवान करे, इधर गुरु करे इधर भगवान करे। जब तक कि गुरु कृपा नहीं करेंगे आप वहां तक भी नहीं जा पाओगे मिलने। गुरु नहीं कहेंगे भगवान से शिष्य मेरा जरा दर्शन करा दीजिए, जरा अपने पास बुला लीजिए। सबसे ज्यादा दर्जा ऊंचा दिया गया है गुरु का। बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं किसके पैर लगेंगे? दो खड़े हैं आपके सामने, गुरु खड़े हैं और गोविंद खड़े। ध्यान से सुनिएगा, किसके चरण पकड़ेंगे, गुरु के कि गोविंद के? बोलिए गुरु के। बहुत अच्छा, गुरु के। क्यों? क्योंकि वही सतगुरुदेव हमें भगवान से मिलाएंगे। इसलिए इसलिए बिना गुरु के वैकुंठम योगी दुर्लभ। वैकुंठ नहीं पहुंच पाएंगे। बोले संसार में आए बड़े भय, सत्संग नहीं किया और पति गए चले गए। क्या किया जीवन में? बोले जिंदगी भर यही सोचते रहे। अभी तो बचपना है, अभी कौन बुरी दीक्षा लेगा? अभी दीक्षा विक्षा नहीं लेना है। बोले 20 साल के हुए, बोले अब दीक्षा ले लूं? बोले अभी तो जवानी है, जवानी में तो जवानी पना दिखाएंगे। अभी कौन सा भजन, ये कोई उम्र है भजन करने वाली? भाई बच्चों को भजन सिखाइए। कोई व्यक्ति कहते हैं अरे बच्चे हैं, अभी तो पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। जवान हुए, बोले अब दीक्षा ले लेते गुरु बना ले। बोले अब तो एंजॉय करने का टाइम है, अब तो हम दुनिया देखेंगे, अभी भी नहीं लेंगे। बोले विवाह हो गया, अब दीक्षा ले लीजिए गुरु से। बोले ऐसे कैसे ले ले, एक पुत्र तो हो जाए तब लेंगे दीक्षा। बोले ठीक है, पुत्र भी हो रहा, भगवान ने पुत्र भी दे दिया। बोले अब दीक्षा ले लीजिए। बोले अभी भी नहीं लेंगे। बोले पुत्र की शादी हो जाए, पुत्र को पढ़ा लिखा दे तब दीक्षा ले लेंगे। अब हो गए भैया बूढ़े 50 साल, अब बोले भजन कर लो। बोले अभी अभी तो पुत्र का विवाह हुआ है, बहू के कुछ पोथा होता हो जाए तब दीक्षा ले लेंगे, तब गुरु के शरण में जाएंगे। बहू के पोता भी हो गया, बोले अब तो ले लो महाराज। बोले अभी भी नहीं लेंगे, नेक्स्ट शादी देख लो इसकी, पोते की शादी उसकी हुई नहीं और उसके शादी से पहले ही चले गए। कुछ किया जिंदगी में, भजन किया जिंदगी में, कुछ मिला जिंदगी में आकर के क्या किया? व्यर्थ किया। गाने सुने, रात में गए पार्टी की, बढ़िया डांस किया, हो गई जिंदगी। ये जिंदगी में बनाते हैं, यही कर करके माया मोह में पढ़ पढ़ के अपना जीवन व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। भगवान से कहते हैं आपने हमें जिंदा ही नहीं रखा, भजन कैसे करें? बोले जितना समय दिया था उतने में तुम कर ही नहीं पाया। इसलिए समय बहुत कीमती है। बचपन चला जाएगा, नहीं मिलेगा। जवानी आ जाएगी, बुढ़ापे आ जाओगे, जवानी भी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस जिंदगी है ये किराए का घर है, आए हैं और चले जाएंगे।
तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मानते हो इस चीज को? इसलिए भजन करना चाहिए। गाइए सभी मिलकर के। प्रतिदिन पुष्प चढ़ाता है,
सब लोग अपने मंदिर पे भगवान जी रखे हैं, काना है, राधा रानी है, तो उन पे पुष्प माला चढ़ाते हैं कि नहीं? कौन कौन चढ़ाते हैं? तो वो सुबह पुष्प चढ़ाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके उसको पुष्प चढ़ाते हैं और उसको उठाते हैं मंदिर से शाम को कि सुबह, कुछ सुबह कुछ शाम को उठाते हैं। तो जब भगवान पे पुष्प चढ़ाना रहता है, शाम को मुरझा जाता है तो उसको उठा लेते हैं, सुबह फिर नया पुष्प चढ़ाते हैं नहा धो के, यही है ना? तो जब भगवान पर पुष्प चढ़ाना रहता है तो इतना सुंदर ताजा ताजा पुष्प चढ़ाते हैं। और ये बताइए, हम सब भगवान के बच्चे हैं और जब मरकर जाएंगे तो पुराने होकर के जाएंगे, बासी होकर के जाएंगे, मुरझाए हुए जाएंगे, ताजे ताजे नहीं जाएंगे भाई। ताजा पुष्प भगवान स्वीकार करते हैं भाव से अगर आप चढ़ाएंगे तो। वो ये भी तो सोचते हैं कि जिसको मैंने, इस मनुष्य को मैंने संसार में भेजा है तो वो मेरे पास भी ताजा ही ताजा है, बासी ना है। संसार के कामों में व्यस्त हो गए, मर के चले गए, भजन नहीं किया, बासी होकर के गए, ताजा बन करके नहीं गए, मुरझाए हुए गए। संसार में आए, संसार में सारे काम भी किए और भजन नहीं छूटा तो क्या भगवान के पास उस पुष्प की तरह ताजे ताजे हम गए? ऐसे जाइए भगवान के पास, इसीलिए कहते हैं भजन करना है। गंदे वस्त्र भाई, आपके पास खूब वस्त्र है घर में, माता पिता ने बच्चे अच्छे वस्त्र दिला दिए बच्चों को, अब बच्चे सोचे कि हम वही पुराने ही वस्त्र पहने, नए खराब ना करें, तो माँ बाप कहेंगे कि नहीं तुमको इतने अच्छे अच्छे वस्त्र दिलाए तो वही पुराने पहन के जाते हो, नए पहन लो। तो भगवान की भी यही इच्छा होती है कि हमने तुम्हें संसार में बड़ा सुंदर स्वरूप देकर के भेजा, सुंदर बना करके भेजा ताकि तुम अपना कल्याण कर सको, तो हमें अच्छा बन करके परमात्मा के पास जाना चाहिए। संसार में आए थे तो भी एक चीज लेकर के आए थे और जाएंगे तो भी एक ही चीज लेकर के जाएंगे। संसार में आए थे तो कर्म के दौरान आपको मनुष्य दे दिया, किसी अच्छे घर में, किसी धर्मात्मा व्यक्ति के घर में जन्म मिला कर्म के अनुसार। अब यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो वही कर्म आपके वहां जाएंगे, वही साथ में जाएंगे। इसलिए कर्म करिए और प्यारे करिए ताकि उन परब्रह्म परमात्मा को भी लगे कि हाँ मैंने जो मनुष्य दे दिया उसको व्यर्थ नहीं गवाया मेरे भक्तों ने, मेरे बच्चों ने, पालन किया उस चीज का। राधे राधे बोलना पड़ेगा, अरे जोर से बोलो राधे राधे। और तो भजन करते हैं ना आप सब? कौन कौन भजन करते हैं घर में अपने रोज? सब भद्रानंदी है भाई। क्या बोलते हैं ठाकुर जी से? पूजा करते हैं, माया मांगते हैं, माया क्यों भाई तुम भी नहीं हो? माया मांगते हैं। अब माया से हटके कुछ और मांगिए ठाकुर जी से। हम बताएं भगवान का जब भजन करिए तब क्या मांगिए भगवान से? भगवान से कहिए मंदिर में जाइए कि प्रभु हम आपके, कहिए जो मैं बोल रही हूँ दोहराइए, क्या बोलना है आपको, कहिए प्यारे हम आपके, आप मेरे, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि आपका भजन कर सके, बस अपने चरणों से दूर मत करना। बोलिए दूर मत करना, ये बोला करिए ठाकुर जी से। कौन कौन बोलेंगे ऐसे?
कि बोलिएगा तभी हाथ उठाइएगा। दोनों तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे इतने सरकारी हमारे सुंदर है, बिहारी जी हमारे सुंदर है। बोले सुबह सुबह फोन सब चलाते हैं, फोन कौन कौन चलाता है सुबह सुबह उठ के? इधर वाले तो पक्का चलाते होंगे, वॉलपेपर की आपकी फोटो लगी होगी वॉलपेपर में, हाँ कि ना? पक्का घर की लगी होगी, इस पे राधा रानी की लगाई है। ताली बजा दो भाई, वाह सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की फोटो लगाई, बोलते दिनचर्या अच्छी नहीं होती, सुबह सुबह जब फोन उठाएंगे और भगवान के सीधे दर्शन करेंगे, दिनचर्या अपने आप अच्छी होगी। हाँ जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा इस प्रकार। और अभी तो आप लोगों को नृत्य भी करना है, क्यों? क्योंकि अब रज में होली चालू हो गई है, करेंगे नृत्य? कौन कौन करेंगे सच बताना, अभी नहीं आरती से पहले कौन कौन करेंगे? उठ जाइएगा, अभी नहीं कथा अब भी करेंगे। ठीक है, अच्छो लगो नित्य करेंगे राधे राधे। तो सूत जी कहते हैं सौनक जी से, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मी विचारिचा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं प्रीति ही सौनक चित्ते ते, ध्यान से सुनिए, कि मैं आपको सारे सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा, मूल सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि साधु का एक क्षण और भोजन का एक कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भोजन का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितना आप खाइए उतना ही लीजिए और साधु के पास जाइए, उनका भी समय व्यर्थ मत करिए। प्रार्थना है क्यों काल व्याल मुख ग्रास त्रासन नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेणवाशदम। सूची कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास, माया क्या है, काल क्या है, बोले सर्प की भांति है और मुंह फैला करके बैठी हुई है और उसी सर्प के मुख में हम लोग प्रविष्ट करते जा रहे हैं, माया रूपी काल में घुसे जा रहे हैं, काय में घुसे जा रहे हैं। बोले कोई मित्र मिल जाए, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, भजन करना पड़े। और बोले जब वही काल वही सर्प मुख बंद कर लेगा तुम्हारी वायु खत्म, कि किसी तरह काल में प्रविष्ट हुए जा रहे हैं, माया में पढ़ पढ़ के काल के अंदर ही बंद हुए जा रहे हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। अपने कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए, खाली कमाना ही नहीं चाहिए, बोले हमारा कल्याण किससे होगा ये भी सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। झूठे सुख को गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, मकान बन गया, पैसा आ गया, अरबों रुपए आ गए, बोले क्या झूठे सुख को ही सुख कहते हैं कि ये सुख है, आनंद आ गया, मजा आ गया। इसलिए बोले झूठे सुख को सुख मत मानिए, संसार को कि चीजें वस्तु को अपना सुख मत समझिए। सुख जो है वो है भजन करना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ जी, तो सूर्य कहते हैं अरे जीव तू झूठे सुख के चक्कर में पड़ा हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा है तेरे, संसार को बोल रहे हैं। कैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं चलती चाकी देख कर दिया कबीरारो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। चाकी देखी है, चाकी कहते ना इधर, तो उसी चाकी में हम लोग फंसे हुए हैं। कैसे बोले कबीरदास जी महाराज ने तो ये कह दिया कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो कि संसार रूपी चाकी में पिस रहे हैं। परंतु कबीरदास जी महाराज के पुत्र ने क्या कहा सुनिएगा, चलती चाकी देख कर हंसो कमाल उठे जो तीली से लग गयो बाको बाका। बोले चलती चाकी देख कर हसे कमील उठाए कमल, कमाली नाम था किसके, कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाली था। बोले उस चाकी को देख करके हंस पड़े, क्यों, क्योंकि जब चाकी के बीच वो सुराई लगी रहती है बीच में, उसी के सारे चाकी चलती है बीच में जो लगते हैं। तो बोले उस पीली की हाथ पकड़ ली, संसार रूपी चाकी में फंस रहे हैं और एक भगवान की उंगली पकड़ ली। भगवान संत जो बताते हैं, संत के नाम के वचनों को सुन करके हम उस पालन करते हैं तो हमारा सागर पार हो जाता है। राधे राधे बोला पड़ेगा। इसलिए संसार में आए हैं तो भजन करना ही पड़ेगा। कल हमने आपको बताया था
कि भक्ति महारानी के सारे कष्ट दूर हुए कैसे भजन करने से भागवत सुनने से सनकादियों ने भागवत का उत्सव रखा। अब बोले एक बात बताइए कोई व्यक्ति बड़ा पापी हो और पाप करते करते मर गया हो और वो प्रेत की योनि में आ गया हो उसको क्या कभी मुक्ति मिली है भागवत सुनने से? मिली है। कैसे मिली है? तो यहाँ प्रश्न रख रहे हैं क्या ये मानव पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधानि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते ये मानवः पापकृतास्तु सर्वदा। सनकादियों से नारद जी पूछते हैं ऐसा भी हुआ है कि जिसने जीवन भर पाप किया हो कभी भजन ना किया हो और मरने के बाद प्रेत योनि में आ गया हो उसको मुक्ति मिली है ऐसा कोई दृष्टांत? बोले हाँ है। बोले कैसा दृष्टांत सुनाइए? बोले तुंग भद्रा तटे पूर्व भूत पतन मुत मन यत्र वर्णा सुधर्म मेड़ा सत्य सत्कर्म तत्परः। आपने ये कथा अनेकों बार सुनी होगी कि तुंग भद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था और वहां के जो ग्रामवासी थे जो वहां निवास करते थे वो बड़ा निष्ठापूर्वक पालन करते थे और उसी गांव में उसी उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी कौन? धुंधली। ये कथा किस किस ने सुनी है? कल ही सुनी होगी शायद। बोले आत्मदेव के पास सब कुछ था खाली संतान नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ मिलता है किसी चीज की कमी नहीं है। बोले जो नहीं है हमें वही चाहिए। सही है। जीवन में आपके पास सब कुछ है किसी चीज की कमी नहीं है। बोले मेरे पास ये नहीं है मुझे यही चाहिए उसी पर रोने बैठ के कि ये क्यों नहीं है मेरे पास हमें यही चाहिए। बोले चाहे वो एक सुई का हो ना हो ये सुई उसके पास कैसे आई वो सुई मुझे भी चाहिए सब कुछ है लेकिन वो छोटी सी सुई अगर आपके पास नहीं तो वो सुई चाहिए आपको। आत्मदेव के पास सब कुछ था बस संतान नहीं। भैया संतान नहीं थी तो सब ताने मारते थे परेशान होकर के चले गए। संत मिले संत ने फल दिया। पहले तो खूब समझाया और पूछा भी कथम रोदश विप्रत्वम काते चिंता बली यशी वदत्वम सत्परम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले आपका क्या दुख है? बोले संतान नहीं है। बोले संतान के चक्कर में मत पड़िए जित की संतान हुई फल तो धुंधली ने खाया नहीं गाय को खिला दिया गाय भी बांसती गाय के कौन हुए गोकर्ण जी हुए और धुंधली ने तो कुछ नहीं किया था भैया तो बोले जो उसकी बहन थी उसी का पुत्र ले लिया तो उसे कुछ पैसे दे दिए नामकरण हुआ कि जो धुंधली के बहन के पुत्र थे उनका नाम क्या पड़ा धुंधकारी और जो गाय के द्वारा जन्म लिए उनका नाम क्या पड़ा गौकर्ण। भैया नाम तो दोनों ने कमाया लेकिन धुंधकारी को ख्यात हुआ और गोकर्ण विख्यात हुए तो
गौ करण हो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। बोले गौकरण जी बड़े भजनानंदी थे। बोले संपूर्ण शरीर उनका मनुष्य की तरह था, कान कैसे थे गाय की तरह थे। इस तरह प्रेत योनि पाई कौन धुंधकारी खूब पाप की भैया, माता भी परेशान पिता भी परेशान धुंधकारी से सब तो परेशान हो गए। आत्मदेव तपस्या करने चले गए और गोकर्ण जी के वचन बड़े प्यारे लगे। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि में हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण का उत्सव रखा गोकर्ण जी ने और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। इस श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रेत को भी मुक्त कर देता है। आइए समय कम है, प्रथम श्लोक का वाचन करते हैं। प्रथम स्कंद में हम लोग आज से प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य यतोर्मयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवे महियत यशूरया तेजो वारि प्रदाम यथा यत्र सर्वोमशा धामना स्वयं सदा निरस्तुखोकम् सत्यम् परम् धीमहि। इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के कहा है कि सत्यम् परम् धीमहि। सत्यम परम धीमहि कर उनको ध्यान किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सत्य का ग्रंथ है। कि कहते अगर ये भी कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने सोचा सत्यम परम धीमहि कहता हूं तो सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का लाभ उठाएंगे, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। दूसरे श्लोक में धर्मा प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मसराणां सता विद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिविदं तापत्रयो मोलनं। श्रीमत भागवती महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हिरद्य वरुद्र तेत्र की शुश्वी शुश्वे तक्षणा। बोले महामुनि जी व्यास कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये हमें सत्य का बोध कराती है। मास्य दोष कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तो सच लिखा है। क्योंकि निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत देव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका। बोले रसी रस क्यों है भाई? कोई फल मीठा होता है और जो फल मीठा होता है उसी को तोता खाता है सुख पाते हैं। या तो ये कह लीजिए जो फल मीठा होता है उसी में चोंच लगाते हैं शुक्रेव जी। तो ये श्रेष्ठ इसलिए है, रस इसलिए है, मीठा इसलिए है भागवत, मीठी इसलिए है श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि ये सुख रूपी वक्ता के द्वारा प्रकाशन किया गया है, सुनाना गया है, सुनाया है। किसी ने कहा रसी रस है और पेड़ से आम गिरता है तो कुछ बूंदे आम की रस नीचे भी गिर जाती है। किसी ने कहा रसी रस है
तो ऊपर से गिरा होगा तो सब में फैल गया होगा, भागवत सबको मिल गई होगी। बोले नहीं, बोले शाखा प्रति शाखा से आया। बोले सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत महापुराण नारायण जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया। अरे माता राम, ब्लू साड़ी वाली माता आपसे कह रहे हैं, क्या सुना आपने भी? बोलिए कुछ सुना मीठा आपको, सुना कि नहीं? अब छूट गई कथा, अब बताओ क्या करोगे? अब फल मिलेगा? सुनी के नहीं, बात कर रहे हैं, फल मिलेगा कथा का? बताओ माता, मिलेगा? बोलेंगे और भजन संकीर्तन कान में नहीं पड़ रहे, बातचीत करने में लगे, फिर कहते कथा सुनते दुख आते, हमको फल ही नहीं मिला। कथा सुनी, हमने भजन किया, सत्संग किया, सत्यनारायण की पूजा की, पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुना रहे, भैया सुनी नहीं रहे, इसलिए फल चाहिए। बोलिए मत, यही नियम है। इस प्रकार शाखा प्रति शाखा से आया नारायण जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी मुनि को सुनाई, और सुखदेव जी मुनि परीक्षित जी को सुनाते हैं, माध्यम बना करके परीक्षित जी को हम सबको सिखाते हैं कि भजन करना चाहिए। बोले किं शया शास्त्र सारा का सब अवतार प्रयोजनम, किं कर्मा के अवताराश्च धर्मा किं शरणम गता। सोनक जी कहते सूत जी से कि इतनी रचना हुई, संसार में जीवों की आयु बहुत थोड़ी है और ग्रंथ बहुत है, लोगों को लगता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसके बारे में बताइए। बोले भगवान के कितने अवतार हुए ये भी बताइए, व्यास जी का जन्म कैसे हुआ ये भी बताइए। बोले सब बताएंगे। तो सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम, और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जये मुदीरये। नारायण भगवान और देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं सूत जी, और कहते हैं सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहे तु क्या प्रतिज्ञाता ययात्मा संप्रसीदति। कल हमने आपको बताया था कि भक्ति कैसे होनी चाहिए, तेलवत धारा होनी चाहिए, भजन रुकना नहीं चाहिए, बताया था। किस किसने सुना था? जो आए थे और उन्होंने सुना, जो नहीं आए थे वो तो रह गए। बोले जो नहीं आए थे वो बाद में सुन लेंगे। कैसे सुन लेंगे? बोले यूट्यूब पे सुन लेंगे। सुन लेंगे ना यूट्यूब पे? कौन कौन सुनेंगे? अभी तक किस किसने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अब आगे कर लीजिएगा। इस प्रकार बहुत ही प्यारी प्यारी बात बताई। बोले भक्ति ऐसी होनी चाहिए, सूखी सूखी भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति में रस होना चाहिए। बोले राग में हवन करें कोई फायदा है? राग में हवन करें कोई फायदा नहीं, अग्नि में हवन करके फायदा होता है, राग में हवन करके कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार संसार में आए हैं तो माया में नहीं, भक्ति में रस लाइए, भजन करिए। इस प्रकार अनेक अनेक लीला बताई। संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान की कृपा है। कल
की कथा में हम आपको बताएंगे। कॉलेज में होली चालू हो गई है तो क्या कहेंगे। सखिया कहती है मेरो खोए गयो बाजू बन रसिया होली में रसिया होली में ऐसे नहीं दिखाई पहले मेरो खोए गयो बाजू बन रसिया होली में Yeah!
चकिया कह रही है तू ना जाने लाला तेरी मेरी कितनी पुरानी रीत है। तो सगिया कहती है हाँ तेरी मेरी हमारे ब्रज में होली भी चालू हो गई है। एक मिनट, कल आप सभी लोग समय पर आइएगा, 4:30 बजे से कथा होगी। कौन कौन आएंगे सब? तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से मेरा बारंबार प्रणाम, राधे राधे। सभी भक्तजन यहीं पर रहेंगे क्योंकि ये समाप्त होगा उसके बाद।
गिरधर तेरे आरती गाए। प्रभु प्यारे तुम हो